हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को क्लियर वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में समझ लिया डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये तो हमें समझ आ गया कि बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बट किस वैल्यू से रिकॉर्ड करना है ये भी तो ज़रूरी है जानना। तो आज की क्लास में हम यही समझेंगे कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, कुछ भी क्रैम नहीं करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आज की क्लास के बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, रीजंस पढ़ा था कि क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं कि हम कैसे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो आज मैं बताऊंगी कि आपको मेथड्स क्या है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं डेप्रिसिएशन को, तो दो मेथड्स गिवन है हमारे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। एक है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है मेरा WDV मेथड। आज ही क्लास में हम समझेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, इससे हम इलुस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो, एक चीज के ही हम दो तीन नामों से पुकार सकते हैं ना, दो तीन नामों से उसके बुला सकते हैं। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन के मेथड के दो तीन नाम हैं। अगर एग्जाम्स में हमें कोई भी नाम लिखा हुआ आ जाए तो हमें समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के तीन नाम कौन कौन से हैं। तो है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है फिक्स्ड परसेंटेज मेथड, और रीजन भी बताऊंगी कि इसको इस नाम से क्यों बुलाया जाता है। और दूसरा है फिक्स्ड परसेंटेज मेथड ऑफ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, और तीसरा है मेरा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। देखो, बहुत सिंपल सा मेथड है। इसमें क्या है, ये फिक्स्ड और ये स्ट्रेट इसलिए लिखा हुआ है, ये फिक्स्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जितने भी साल हमें डेप्रिसिएशन लगाना है ना उस एसेट पे, वो सेम लगेगा। जैसे कि मेरी सपोज एक एसेट है 1 लाख रुपए की, ठीक है, 1 लाख रुपए की एक एसेट है और वो 10 साल चलेगी, तो 10 के 10 साल ना मुझे उसकी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो इक्वल ही कैलकुलेट करनी है। मतलब 10 के 10 लाख में 10-10 हज़ार से उसको डेप्रिशिएट करनी है। समझ गए आप? क्लियर? तो इसलिए इसका नाम हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड रखा हुआ है, इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड से बुलाते हैं। फिक्स परसेंटेज मेथड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट और फिक्स इंस्टॉलमेंट, क्लियर? ये नाम आपको याद करने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में ये ही लिखा आएगा कि आप इस मेथड से सॉल्व करो। तो देखो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारी तीन चीज़ें यूज होती है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में हमने समझा था कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारी तीन चीज़ें यूज होती है। वो क्या क्या यूज होती है? एक तो हमने पढ़ा था कि कॉस्ट क्या है, कौन कौन सी कॉस्ट अफेक्ट करती है, जो मैंने आपको बताया था कि परचेज कॉस्ट कितनी है, प्लस इसमें हमने इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फ्रेट, ये सब चीज़ें ऐड ऑन करनी है, प्लस इसमें मैंने बताया था कि GST ऐड होगा या नहीं होगा। तो GST का अगर हमें इनपुट क्रेडिट मिलेगा तो इसमें हम GST ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने GST पे किया हुआ है वो हमारी, अगर उसके अगेंस्ट मुझे इनपुट क्रेडिट मिल जाता है तो वो फिर मेरा पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, जब हम कुछ चीज़ परचेज करते हैं ना, तो मुझे इनपुट टैक्स, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ता है और उस टैक्स का मुझे क्रेडिट मिल जाता है, तो मैं उसको बोलती हूँ ये मेरा इनपुट क्रेडिट है। और जब हम कुछ सेल करते हैं तो मुझे, मेरी लाइबिलिटी बनती है टैक्स पे करने की, तो वो मेरा क्या होता है, आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट अगर मेरे को ये इनपुट टैक्स एडजस्ट हो जाता है, मतलब देखो 100 रुपये मुझे टैक्स पे करना था और मैंने ऑलरेडी परचेजेस पे 20 रुपये टैक्स पे किया हुआ है और मुझे उस पे का 20 रुपये का इनपुट क्रेडिट मिल गया, तो मुझे अब कितना पे करना पड़ेगा, 80 रुपये पे करना पड़ेगा। तो 20 रुपये का तो मुझे क्रेडिट मिल ही गया,
तो इसलिए मैं उसको पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं मानूंगी। अब जितना इसका टोटल अमाउंट आएगा उसको मैं बोलूंगी कि ये मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, जैसे कि आप आगे जाके पढ़ोगे तो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे, वहां पर आपको पता लगेगा कि ये क्या क्या पार्ट ऑफ कॉस्ट मानते हैं, क्या क्या चीजें कैपिटलाइजेशन करते हैं। वो आपका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा फिक्स्ड एसेट्स का, उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। अभी हमें एक छोटे से लेवल पे पढ़ना है, बाद में हम एक बड़े लेवल पे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे अपने प्रोफेशनल करियर के। ठीक है, और सेकंड मेथड मैंने क्या बताया, सेकंड चीज मैंने क्या बताई थी कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या है उसकी, कि कितने साल वो चलेगी। जैसे कि जो कार है, कार का हमारा लीगली क्या है कि हम सिर्फ 15 साल चला सकते हैं। ऐसे ही स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, आगे जाके स्टैंडर्ड्स में सबकी ना लाइफ की बने कि ये बिल्डिंग कितने साल चलनी चाहिए और मशीनरी कितने साल। अभी अभी आपके अभी इस लेवल पे आपको क्वेश्चंस में गिवन होगी कि कितनी इसकी यूजफुल लाइफ है, आगे जाके आपको स्टैंडर्ड्स दिए होंगे तो आपको याद रखने की जरूरत हो। वो भी आगे अगर आप कुछ प्रोफेशनल करियर करेंगे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे। तीसरी मेरी चीज क्या थी कि एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, कि एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी इसकी। इसका क्या मतलब है कि जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो मैं अगर वो कबाड़ी वाले किसी को भी बेचूंगी तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कितना मिल सकता है। तो जैसे कि कार, गाड़ी है, गाड़ी में मैंने बताया था आपको लोहा होता है, बड़ी सारी चीजें लगी लगी होती है, तो अगर उसको हम एज अ स्क्रैप बेचते हैं तो तब भी हमारे 5,000 रुपये उठ जाते हैं। तो वो ये है कि जब मैं उस गाड़ी को अच्छे से यूज कर पाऊँ उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, वो अगर मैं किसी को भी दूंगी तो वो मुझे एस्टिमेटेड कितना, एस्टिमेशन की कितना दे पाएगा। ठीक है, ये मैंने तीन चीजें पढ़ ली कि डेप्रिसिएशन कैसे कैसे किस किस पे बेस्ड होता है। अब देखो मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ कि मैं क्रैम कराने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, तो हम क्या बनाएंगे, हम क्रैम नहीं करेंगे फॉर्मूला, हम समझेंगे फॉर्मूला, हम खुद से इन्वेंट करेंगे, हम खुद से बिल्ड करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, अब हमने पढ़ी है तीन चीजें, एक पढ़ी है हमने कॉस्ट, ठीक है, एक पढ़ी है हमने कॉस्ट, दूसरी पढ़ी है हमने कि लाइफ क्या है एसेट की, और तीसरी पढ़ी है कि उसकी स्क्रैप वैल्यू। अब हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारी जो कॉस्ट है गाड़ी की वो 10 लाख रुपए है, ठीक है, प्लस मैंने कुछ उसमें सीट्स पे वो लगवाई या कुछ भी लगवाया, गियर लॉक लगवाया, सपोज मेरा 2 लाख का और खर्चा होगा उस पर। ठीक है, तो मेरी जो टोटल कॉस्टिंग है उस चीज की वो कितनी पड़ेगी मेरे को, 12 लाख रुपए पड़ेगी, ये मेरी आ गई 12 लाख रुपए। अब जो लाइफ है, लाइफ मैंने आपको बताया था कि सपोज हम मान लेंगे इसकी 5 साल है, जो भी मेरा कोई भी एसेट, या हम गाड़ी का सोच रहे हैं तो गाड़ी का हमने मान लिया कि 15,000 रुपये, 15 साल, ठीक है, ये 15 साल हमने गाड़ी का मान लिया कि ये 15 साल चले, और इसकी स्क्रैप वैल्यू मैं कितनी मान लेती हूँ कि लेट्स से मैं इसकी स्क्रैप वैल्यू मान लेती हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए अगर मैं इसको बेचती हूँ तो मुझे मिल जाए 15 साल का। क्लियर है चीज? यहाँ पर मैं एक चीज थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर मैं मानती हूँ इसकी 17 लाख, सपोज 17 लाख कॉस्ट है, सपोज 15 लाख कॉस्ट है, 15 लाख कॉस्ट करके 2 लाख इंस्टॉलेशन ऐड करके मेरी जो वैल्यू बन गई वो 17 लाख बन। ठीक है, अब देखो मेरी जो एसेट की वैल्यू है वो है 17 लाख रुपए, ठीक है, और जब मैं इसको ईयर एंड पे बेचूंगी तो मुझे कितने मिल जाएंगे, 2 लाख रुपए इसके अगेंस्ट मिल जाए। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं सोच के बैठी हूँ मैं इसको अच्छे से यूज कर लूँ, लेकिन एट द ईयर जब तक इसकी लाइफ है मुझे 2 लाख तो मिल ही मिल जाएंगे, तो मैं क्या समझ के चल रही हूँ कि मेरा 15 लाख का ही खर्चा है। मेरे दिमाग में मोटी मोटी यही चीज है कि मेरी है तो एक्चुअल में 15 लाख का खर्चा है, क्योंकि मैं 17 लाख की मैंने कोई चीज खरीदी, जब मैं उसको अच्छे से निचोड़ दूंगी, अच्छे से यूज कर दूंगी, उसके बाद भी वो 2 लाख की बिक ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं सोच के चल रही हूँ कि मेरी ये जो है 15 लाख। अब देखो इस 15 लाख को मुझे क्या करना है, मुझे 15 साल में डिवाइड करना है, मुझे क्या करना है 15 साल में डिवाइड करना है कि हर साल 15 सालों तक मैं इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाऊँ, इसका डेप्रिसिएशन डाल पाऊँ हर साल। अब 15 लाख की कोई चीज है उसको मेरे को 15 साल में उसका डेप्रिसिएशन डिवाइड करना है, मतलब ये उसको 15 साल में उसको खत्म करना है कि धीरे 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 होकर वो जीरो हो जाए। तो अगर मैं इस चीज की चीज 15 साल मुझे इसको डिवाइड करके डालना है, तो मैं समझ जाऊंगी कि हर साल मैं अगर 1-1 लाख रुपए डालूंगी तो
साल तक मैं 1-1 लाख रुपए डाल के 15 साल में मेरी ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी पूरी की पूरी। समझ रहे हो आप? जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल लूँ, मैं यहाँ पर ये चार्ट बना देती हूँ, ये 1 साल, ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13, 14, 15। ठीक है, मेरा 17 लाख का एसेट था, 2 लाख जब भी मैं उस एसेट को बेचूंगी मेरी तब वैल्यू निकल जाएगी, तो मेरा मोटा मोटा खर्चा कितना बचा? 15 लाख रुपए। अब इस 15 लाख को मुझे क्या करना है, 15 सालों में डिवाइड करना है। इसको मेरे को 15 सालों में डिवाइड करना है। तो मैं हर साल अगर 1-1 लाख रुपए करूँ तो मैं 15 साल में इसको डिवाइड मेरा हो जाएगा, मतलब कि 15 साल में मैं 1-1 लाख रुपए का अगर डेप्रिसिएशन डालूंगी तो इसकी जो एंड में आकर वैल्यू है वो 0 हो ही जाएगी 15 साल बाद। क्लियर? तो बस हमें यही हमारा फॉर्मूला बन गया। हमने कैसे कैलकुलेट किया है डेप्रिसिएशन को, हमने कैसे कैलकुलेट किया है कि कितनी मेरी कॉस्ट थी जो मैंने ऊपर से निकाली है, जितनी मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट है, माइनस मैंने क्या किया कि कितना मेरा उसकी रेजिडुअल वैल्यू मेरे को मिलेगी जब भी उस लाइफ उस एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी। रेजिडुअल वैल्यू कितनी मिलेगी, डिवाइड मुझे क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ ईयर उसकी लाइफ है, नंबर ऑफ यूजफुल ईयर, यही मैंने कैलकुलेट किया था। ऐसे ही मैंने किया था कि यहाँ पर हमारा एसेट 17 लाख का था, 2 लाख मेरी स्क्रैप वैल्यू होगी, 15 लाख का बचा। 15 लाख को मुझे 15 साल में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे 15 साल में डिवाइड करके मेरी हर साल 1-1 लाख रुपए वैल्यू डेप्रिसिएशन में डलती रहेगी, जिससे मेरी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब सिंपल मैंने क्या किया, आपको फॉर्मूला रटवाया नहीं, समझाया कि कैसे डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमने खुद बनाया है कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से रेजिडुअल वाली वैल्यू निकाल के नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ उसमें से डिवाइड करके, तो हमारी हर साल डेप्रिसिएशन इतना कैलकुलेट होता रहेगा। अब देखो अगर किसी केस में मुझे ये लगा दे कि मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, अब देखो जैसे बचपन में आपको याद होगा हमने मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाले सारे इंटरेस्ट वाली चीजें पढ़ी हुई है, बिल्कुल हम आराम से निकाल सकते थे रेट कि कितना इंटरेस्ट लगा प्लस कितनी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी, इंटू 100 करके हमने ये सारी रेट निकाल रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारा हमने बचपन में पढ़ रखा है मैथ्स मैथमेटिक्स में। तो अकाउंट्स में भी यही है, अगर मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना पड़े, अगर मुझे क्या निकालना पड़े कि मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, तो मैं क्या लिखूंगी कि कितना अमाउंट है डेप्रिसिएशन का, यहाँ पर मेरा क्या है, कितना अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन का, किससे डिवाइड करूंगी, कितनी मेरी किसकी कितनी कॉस्ट है, ये बिल्कुल सिंपल किस पे बेस्ड है, जैसे कि हमने बचपन में मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रेट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। तो मैं इसलिए इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही, इसलिए इसका फॉर्मूला बना के नहीं दिखा रही, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि अगर हम किसी चीज़ का रेट निकालते हैं तो ये रेट किस पे निकलेगा, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट पे, कि कितनी उसकी कितनी उस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी, और इंटू 100, इससे मेरे को क्या पता लगता है कि मेरा डेप्रिसिएशन रेट कितना निकला, कितना मेरा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन था और ओरिजिनल कॉस्ट पे इंटू 100। क्लियर? हो गया मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला, हो गया यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100। और यहाँ पर मैंने क्या किया, अपना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया कि कितना कैसे मेरा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकलेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से मैं रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दूंगी और डिवाइड क्या करूंगी कि कितने साल वो चलेगी। तो यहाँ पर ही हमारा ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट क्लियर होता है। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है कि बेसिकली बहुत इजी है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, और इसकी एट द एंड ऑफ लाइफ एसेट की इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। और हर साल हम उठाते हैं अपना डेप्रिसिएशन चैप्टर का फर्स्ट इलुस्ट्रेशन, तो फर्स्ट इलुस्ट्रेशन हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं अपना फर्स्ट इलुस्ट्रेशन पढ़ती हूँ। मेरा फर्स्ट इलुस्ट्रेशन क्या बोलता है, इलुस्ट्रेशन 1, ऑन 1 जनवरी 2022 शिव मोहन परचेज अ प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 41,000
एंड स्पेंड ₹4,000 ऑन इट्स इरेक्शन. द एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ ऑफ द प्लांट इज 10 ईयर्स एंड द स्क्रैप वैल्यू इज 5,000. कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड शो प्लांट अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर. क्लियर? हमें ये दे रखा है कि हमें बता रखा है एक मोहन नाम का बंदा है, ठीक है? तो हम अपना शुरू करते हैं इलुस्ट्रेशन. तो ठीक है, तो सबसे पहले हम जो जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन बताता जा रहा है हम लिखते रहते हैं. ऑन 1 जनवरी 2022 शिव मोहन ने परचेज किया प्लांट कॉस्टिंग 41,000. ठीक है, 1 जनवरी 2020 को उसने परचेज किया है प्लांट जिसकी वैल्यू कितनी थी, 41,000. क्लियर? वो यही बता रहा है कि अब जैसे जैसे हमें इलस्ट्रेशन में बोला गया है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, हम लिखते रहेंगे और उसके बाद अपना प्लांट अकाउंट बनाएंगे और अच्छे से सीखते रहेंगे. बहुत सिंपल सा चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी है. तो आगे वो हमें क्या बता रहा है, जिसकी प्लांट की कॉस्टिंग 41,000 थी हमने लिख लिया और उसके बाद वो कह रहा है कि हमने इरेक्शन भी किया, उसकी उसके ऊपर इरेक्शन पे भी खर्चा किया है 4,000. देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो परचेज कॉस्ट है उसमें हम ऐड करते हैं कुछ भी इंस्टॉलेशन हो, कुछ भी इरेक्शन हो या फिर फ्रेट चार्जेस हो, तो ये जो 4,000 है उसको भी हम ऐड कर देंगे. ऐड करके इरेक्शन चार्जेस जो मेरे हो गए उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए 4,000 से. ठीक है, आगे हम चलते हैं. आगे वो क्या बोल रहा है, जो एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ है प्लांट की वो 10 ईयर्स है, उसने हमें बता दिया. हम लिख लेते हैं यहाँ पर भी जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है. उसके बाद वो हमें एक और चीज बता रहा है, हमें बता रहा है कि एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू भी उसने दे रखी है 5,000. तो हम यहाँ पर लिख लेंगे स्क्रैप वैल्यू भी हमें दे रखी है 5,000 से. अब हमें क्या बोल रहा है वो, हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से और हमें प्लांट अकाउंट भी बनाना है फर्स्ट 3 ईयर का. ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना मैंने अभी आपको बताया है कि कैसे कैसे कैलकुलेट होगा, तो हम वही वही चीज लगा के और अपना कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन. तो 41,000 प्लस 4,000 मेरा टोटल कितना अमाउंट होता है, 45,000. तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, उसने प्लांट कितने का खरीदा है, 45,000 का, और उसे पता है, उसे एस्टिमेशन उसने लगा ली है कि जब मैं फ्यूचर में इसे बेचूंगा तो मेरा कितने का बिकेगा, 5,000 का. तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, आराम से 5,000 माइनस कर दूंगी. मतलब कि मेरे को जो डेप्रिसिएशन, मुझे जो वैल्यू खत्म करनी है वो 40,000 की करनी है. ठीक है, समझ गए ना आप? मैंने आपको जैसे बताया था कि 45,000 उसकी कॉस्ट थी, 5,000 उसको लगता है कि उसे जब वो उसकी खत्म हो जाएगा, उसको नीड खत्म हो जाएगी या फिर प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ खत्म हो जाएगी, उसके बाद उसकी 5,000 की बिक जाएगी. तो कितना बचा, 40,000. 40,000 उसकी वैल्यू को उसे कितने साल में डेप्रिसिएशन करना है, 10 साल में. तो अगर 10 साल में डेप्रिसिएशन करना है तो 1 साल में उसका कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 4,000. तो हमें यहाँ पर हमारा निकल गया कि मुझे हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, 4,000. देखो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं रटा, मैंने सिंपल सा लॉजिकली के साथ अपना लॉजिकली हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लिया. मैंने नहीं रटा कि जो भी जैसे बुक में भी दे रखा है फॉर्मूला, और जैसे हम लोग ऐसे सोच लेते हैं ना कि फॉर्मूला है, फॉर्मूला एग्जाम्स में हम फॉर्मूला रट जाएंगे तो आराम से अपना सोल्यूशन हो जाएगा. हमें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ ना हमें लाइफ टाइम तक चीज़ें याद रखनी है. तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लाइफ टाइम तक आपकी चीज़ें याद रहे, इसलिए मैं कभी भी किसी भी क्लास में, अगर आप मेरी सारी क्लासेस देखे तो मैंने ना किसी क्लास में आपको डेफिनेशन रटवाई हुई है, ना किसी क्लास में आपको फॉर्मूला रटवाया, और ना ही किसी क्लास में आपको मैंने मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लाई है. ये नहीं है कि ये चीज होती है, जैसे अगर आप मेरा बैंक रिकंसिलेशन चैप्टर भी देखो, बैंक रिकंसिलेशन में मैंने ये नहीं बताया कि अगर कैश भी दिख गया होता तो प्रेजेंटेड वाले को प्लस कर देते हैं, इश्यूड वाले को माइनस कर देते हैं. मैंने उसमें भी आपको थिंकिंग से, लॉजिकली थिंकिंग से समझा है कि किस चीज में आप क्या क्या चीजें लोगे, किस चीज में कैसे प्लस करोगे, किस कैसे माइनस करोगे, जिससे पेपर के टाइम में आपको कुछ भी क्रैम ना करना पड़े, ये ना सोचना पड़े अरे मेरा इस चैप्टर का ये रह गया फॉर्मूला, इस चैप्टर का ये रह गया. तो हम सिंपल तरीके से अपना आगे बढ़ते रहे और चीजें हम एक बार पढ़ ले तो हमें याद रह जाएगी, अगर हम प्रॉपर तरीके से उसको
के करेंगे, ठीक है। तो हमने यहां पर निकाल लिया अपना डेप्रिसिएशन, निकाल लिया जितना मेरा डेप्रिसिएशन लगता था हर साल, मुझे 4-4 हजार का डेप्रिसिएशन करना है। तो ये मेरी आगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू 4000। आप देखो हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो जो पहले बोल रहा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो हमने कर दिया। अब उसके बाद वो कह रहा है कि मुझे प्लांट अकाउंट भी बताना है फर्स्ट 3 इयर्स का, ठीक है। तो अब मैं बनाती हूँ प्लांट अकाउंट। देखो एक चीज और है, देखो मैंने अभी यहाँ पर डेप्रिसिएशन कर लिया। अब देखो प्लांट क्या है, प्लांट मेरा है, एसेट्स है। हमने अगर आप किसी ने मेरी गोल्ड अगर किसी ने मेरी गोल्डन रूल्स की क्लासेस देखी हुई है, या फिर जो मैंने 2 क्लासेस में बताया हुआ है कि कैसे मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच से रूल्स रूल्स जो होते हैं अकाउंट्स के, वो तो उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा अगर किसी ने देखी हुई होगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, प्लांट जो है वो मेरा एसेट है, ठीक है। और एसेट में अगर आपने मेरी रूल्स वाली क्लास देखी हो, मैंने गोल्डन रूल्स भी समझा रखे हैं, मतलब कि मैंने रूल समझा रखे हैं ट्रेडिशनल मेथड से भी और मॉडर्न मेथड से भी, तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने मेरी वो क्लासेस नहीं देखी और किसी को अभी चीजें क्लियर नहीं है कि एसेट्स प्लांट मेरा एसेट है और एसेट में क्या रूल एप्लीकेबल होगा, तो प्लीज एक बार वो क्लास जरूर देख लेना। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको दिख जाएगी, मैंने बहुत बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज के साथ सिखा रखा है कि कैसे ट्रेडिशनल मेथड होता है और कैसे मॉडर्न मेथड होता है। तो उसी के बेस पे जो प्लांट है वो मेरा एसेट्स है, एसेट अगर बढ़ता है तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट करती हूँ, और अगर कम होता है तो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट करती हूँ, ठीक है। गोल्डर दोनों ही रूल से, ट्रेडिशनल और मॉडर्न के रूल से, ये चीज हमने बहुत बार अब तक सीख रखी है कि अगर एसेट बढ़ता है तो मेरी डेबिट साइड आता है और घटता है तो मेरी क्रेडिट साइड आता है। तो चलिए अब हम प्लांट अकाउंट बनाते हैं। हमें क्या करना है, प्लांट अकाउंट बनाना है 3 इयर्स का, क्लियर। तो हम बनाते हैं अपना प्लांट अकाउंट। मेरा ये फर्स्ट है इलुस्ट्रेशन, यहाँ पर मैं अपना लिखती हूँ प्लांट अकाउंट। ये मेरा फॉर्मेट में आता है डेट, ये आता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आता है मेरा अमाउंट, वही इन रुपीस, यहाँ पर मेरा आता है डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ठीक है, ये आ गया इन रुपीस। अब मैं अपना क्या बनाऊंगी, प्लांट अकाउंट, ठीक है। जैसे जैसे मेरा जो जो चीजें उसने बता रखी है पहले, हम उसके हिसाब से ही चलते रहेंगे और चीजें अपनी करते रहेंगे। तो यहां पर मैं बनाती हूँ अपना प्लांट अकाउंट। सबसे पहले वो बोल रहा है उसने कौन सा ईयर है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं ईयर, मेंशन कर लेते हैं। ईयर हमारा है 2022, 2022। उसके बाद वो बोल रहा है कि जो हमारी पहली ट्रांजेक्शन हुई है 1 जनवरी को उसने परचेज किया है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे जनवरी फर्स्ट। देखो अब मैंने अपना एसेट परचेज किया है तो मेरी एंट्री क्या हुई हुई होगी। देखो जो हमने जनरल एंट्री के चैप्टर में सीखा है, जब भी मैं एसेट परचेज करती हूँ तो मेरी एंट्री क्या हुई हुई होगी, मैंने एंट्री क्या की होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्या है, बैंक भी मेरा एसेट है, अगर एसेट बढ़ता है तो मैं करती हूँ डेबिट, अगर घटता है तो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट। तो जब भी हम एसेट परचेज करते हैं तो हम ये एंट्री करते हैं, ये मैंने आपको जनरल एंट्री के चैप्टर में पूरा अच्छे से समझा रखा है। तो इस केस में हमने क्या एंट्री की होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे हमारे गए होंगे और प्लांट हमारे पास आया होगा। तो बस अब हमें क्या बनाना है, प्लांट अकाउंट बनाना है। ये चीज भी हमने जनरल एंट्री वाले चैप्टर में सीख ली है कि कैसे प्लांट अकाउंट बना के कैसे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर डाल देंगे अपनी डेबिट साइड, क्या कैसे डालेंगे हम डेबिट साइड, टू बैंक अकाउंट, इस अमाउंट से 41,000 से। तो ये हमारा आगे यहाँ पर 41,000। और फिर उसने क्या किया, उसने इरेक्शन पे भी 4,000 स्पेंड किए है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगी जनवरी फर्स्ट टू बैंक अकाउंट, तब भी उसने पैसे दिए होंगे, इरेक्शन चार्जेस
ये आ गया मेरा 4000। अब देखो हमें क्या करना है, ये हमने डाल लिया, अब हमें क्या करना है, हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, तो आप देखो जो डेप्रिसिएशन से है, डेप्रिसिएशन से मेरी क्या होती है, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, और अगर मेरे को एसेट की वैल्यू कम दिखानी है, कम करनी है, तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट साइड लिखूंगी। क्लियर, समझ आया? अगर मैं एसेट मेरा बढ़ता है तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट साइड लिखती हूँ, अगर मेरा कम होता है मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट साइड लिखती हूँ। तो इस केस में जो डेप्रिसिएशन अगर हम लगाते हैं किसी चीज पे, तो क्या होता है, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट होता है। तो मैं अगर डेप्रिसिएशन मैंने जो कैलकुलेट की है यहाँ पर अपना, देखो यहाँ पर मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हुआ है, 4000 हर साल मुझे लगाना है। तो मैं यहाँ पर क्या एंट्री डालूंगी, लास्ट में लगेगा साल के, हमेशा एंड में कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन। वो डिपेंड भी करता है, कोई अगर मंथली बना रहा है तो मंथली करता है, कोई हाफ ईयरली बना रहा है तो वो हाफ ईयरली करके डालता है, लेकिन हमें इस इलस्ट्रेशन में हर साल कैलकुलेट करके डालना है। तो मैं कैसे डालूंगी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट मेरा क्रेडिट साइड क्यों आया, क्योंकि डेप्रिसिएशन से हमारी प्लांट की वैल्यू जो होती है वो फॉल होती है, वो डिक्रीज होती है। तो इसलिए मैं डेप्रिसिएशन को क्या करूंगी, क्रेडिट साइड लिखूंगी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000। क्लियर, अब देखो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, टोटल मैं लिख देती हूँ 45000। मैंने जैसे कि आपको लेजर वाले बैलेंसिंग वाले चैप्टर में भी बताया था, पहले हम क्या करते हैं, जिसका हाईएस्ट टोटल होता है वो लिख देते हैं। अब देखो इन दोनों में किसका हाईएस्ट टोटल है, इसका है, हमारे डेबिट साइड का, तो मैंने दोनों को बंद क्लोज कर दिया 45000। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर डालूंगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना आएगा मेरा 41000। क्लियर, मतलब कि 2022 में, 31 जनवरी 2022 में जो मेरी एसेट की वैल्यू, प्लांट की वैल्यू कितनी करी है, 41000 इस साल का, मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद। क्लियर, ये चीज मुझे समझ आ गई, मैंने क्या किया यहाँ पर, बैंक पेमेंट की बैंक से तो 41000 लगा दिया, फिर इरेक्शन खर्चा किया तो 4000 लगा दिया, फिर डेप्रिसिएशन 4000 कैलकुलेट करने पे मैंने बैलेंस डाल दिया 41000। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट ईयर बैलेंस बॉट डाउन होगा वो किस अमाउंट से होगा, अब मेरा क्या होगा नेक्स्ट ईयर 2023। क्लियर, मेरी जनवरी 1 को मैं क्या यहाँ पर करूंगी, टू बैलेंस बॉट डाउन, ये वाला जो उठ के आएगा यहाँ पर आएगा, टू बैलेंस बॉट डाउन करके, क्लियर, ऐसे करके, और किस अमाउंट से आएगा, 41000 से। अब देखो मुझे क्या करना है, हर साल डेप्रिसिएशन उस पर इम्पोज करना है। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इस साल भी मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन लगा लूंगी, और जैसे मैंने आपको बताया जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें क्या होता है, हर साल जो होता है वो सेम डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो मेरा डेप्रिसिएशन मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है अपना 4000 इस साल का भी, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 4000 लिख दूंगी, फिर मैं यहाँ पर वही बैलेंसिंग कर दूंगी 41000 से, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, वही 41000 लिख दूंगी, और फिर यहाँ पर मैं करूंगी बैलेंसिंग फिगर लिख के, इस ईयर को भी मैं क्लोज कर दूंगी, कितना आएगा मेरी बैलेंसिंग फिगर, 37000, और दिसंबर 31। अब मेरा ये जो 37 है, फिर नेक्स्ट ईयर आ जाएगा बॉट डाउन से नाम से, टू बैलेंस बॉट डाउन 37000 2024। देखो उसकी जो लाइफ है वो तो है 10 साल, 10 साल कितनी बोल रखी है, 10 या 15, 10 साल बोल रखी है, लेकिन उसने क्या बोला है मुझे इलुस्ट्रेशन में, कि मुझे जो बनाना है वो सिर्फ कितना बनाना है, मुझे बनाना है सिर्फ 3 ईयर्स का, मुझे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट अकाउंट कितने साल का बनाना है, मुझे सिर्फ 3 साल का ही बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, दिसंबर 31, इसमें मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है वो अपना डाल दूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पर 2024 में जो 37000 है वो कैरी डाउन कर दिया, और टू बैलेंस बीडी लिख के 37000 डाल दिया। अब मैंने क्या किया, इसको क्लोज कर लिया, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट डाल दिया जो कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है अपना 4000 पर ईयर, वो डाल के, और मैंने यहाँ पर बैलेंस कर दिया उसको, और यहाँ पर मैंने डाल दी अपनी बैलेंसिंग फिगर। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, डेप्रिसिएशन चार्ट बनाना, प्लांट एंड अकाउंट बनाना, आगे हम डेप्रिसिएशन चार्ट भी बनाएंगे और चीजें भी सीखेंगे। इस इलुस्ट्रेशन में मैं क्या बोल रखा था कि मुझे प्लांट एंड अकाउंट बनाना है 3 साल का, जबकि जो प्लांट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी वो हमारी 10 ईयर्स की थी, लेकिन मुझे 10 10 ईयर्स का नहीं बनाना, मुझे सिर्फ कितना बनाना है,
मुझे सिर्फ 3 इयर्स का बनाना है, तो यहाँ पर मैंने 33,000 डाल दिया, और ये 33,000 मेरा क्या आ गया, नेक्स्ट ईयर वॉट डाउन हो गया टू बैलेंस बीडी 33,000 2025 जनवरी 1st। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा था। हमने इलुस्ट्रेशन बोल रखा था कि सबसे पहले तो मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, फिर मुझे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया, बिल्कुल इजी था, कॉस्ट वाला और इरेक्शन वाले को करके ऐड, फिर उसमें स्क्रैप वाली माइनस करके और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लिया। फिर मैंने प्लांट अकाउंट बना लिया। प्लांट अकाउंट में क्या था कि एसेट अकाउंट था, तो एसेट बढ़ता है तो मैं डेबिट करती हूँ, घटता है तो मैं क्रेडिट करती हूँ। यहाँ पर मैंने सारा लिख लिया अपना, जितना भी मेरा बैंक से खर्चे हुए थे जिससे मेरा एसेट बढ़ रहा था। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन की अमाउंट की वजह से हमेशा जो प्लांट होता है, जो एसेट होता है, उसकी वैल्यू फॉल होती है, तो डेप्रिसिएशन जो अमाउंट आता है वो हमेशा मेरा क्रेडिट साइड आता है। तो हर साल मैंने 4,000 4,000 कैलकुलेट करके, और 2025 में जो मेरी बैलेंस अमाउंट खड़ा हुआ है प्लांट मशीनरी का, वो कितना खड़ा हुआ है, 33,000। यहाँ पर मेरा इलुस्ट्रेशन 1 कंप्लीट हो गया और हमारा प्लांट अकाउंट बन चुका है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज रह गई है तो आप मुझे मेल भी बोल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कराऊँ।